नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं E7 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचार की ओर। समूचे भारत में ही कोरोना वायरस का कहर जारी है, लेकिन कुछ राज्य और शहरों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे शहरों में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का नाम शामिल है। बीते सोमवार को शहर में पॉजिटिविटी रेट 55% तक पहुंच गया है। हालांकि अगले दिन यानी मंगलवार को आंकड़ा 33% पर आ गया है। शहर में फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या 3 लाख के पार कर गई है। वहीं अस्पतालों में बिस्तर की कमी की परेशानी जारी है। मंगलवार को शहर में 20,870 कोविड मरीज मिले और 132 मरीजों ने अपनी जान गंवाई, जबकि राज्य स्तर पर संक्रमितों का आंकड़ा 44,632 पर था और 292 मरीजों की मौत हो गई। कोविड के बिगड़ते हालात के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ने चिंता की नई लकीरें खींच दी हैं। मंगलवार को छोटे अस्पतालों में जहां ऑक्सीजन की कमी से 2 मौत की खबर है, वहीं बड़े अस्पतालों में बिस्तर नहीं होने का हवाला देकर मरीजों को लौटा दिया जा रहा है। साथ ही वैक्सीन दर में गिरावट देखी जा रही है। यह आंकड़ा गिरकर 10,000 प्रतिदिन पर आ गया है। बेंगलुरु में औसतन 20,000 नए मामले ऐसे समय पर आ रहे हैं जब अथॉरिटी ने टेस्टिंग की संख्या को कम करने का फैसला किया है। राजधानी बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई हिस्सों में ऑक्सीजन संकट गहरा गया है और अस्पताल सार्वजनिक रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों के दौरान चामराजनगर जिले में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी के चलते कोविड-19 के 24 मरीजों की मौत की पृष्ठभूमि में यह स्थिति सामने आई। राज्य सरकार ने कहा कि मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है, लेकिन उसने इस घटना की जाँच का आदेश दिया है। सूत्रों के अनुसार कलबुर्गी और बेलगावी में कुछ अस्पतालों के प्रबंधन ने कथित रूप से मरीजों से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आने को कहा है। कलबुर्गी के नवनियुक्त जिला प्रभारी मंत्री मुरुगेश निगरानी ने किसी कमी से इनकार किया और कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि आज जो 3 मौतें हुई हैं उनकी वजह ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। बेलगावी के अस्पतालों से खबर है कि वे भी ऑक्सीजन की कमी से बड़ी मुश्किल में हैं। बेंगलुरु के कुछ मेडिकल सेंटरों ने भी कोविड-19 के गंभीर मरीजों के उपचार के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर अपनी आवाज उठाई है। हैदराबाद में 8 शेरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद राजस्थान वन विभाग ने भी इस मामले को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मामले को लेकर वन विभाग के आला अधिकारियों ने सभी टाइगर रिजर्व, बायोलॉजिकल पार्क और जू के अधिकारियों की अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इस पर मंथन किया है। उसके बाद प्रदेश के जंगलों और जू में बाघ, बघेरों और शेरों की सुरक्षा को लेकर आगामी रणनीति को तैयार किया गया है। प्रदेश के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक और प्रधान मुख्य वन संरक्षक ML मीना ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हमें वन्य जीवों तक कोरोना के पहुँचने वाले सभी रास्तों पर खासा ध्यान देना होगा। प्रदेश के टाइगर रिजर्व, बायोलॉजिकल पार्क और जू में पर्यटन 16 अप्रैल से ही बंद कर दिया गया था। अब एहतियात के तौर पर इन सभी जगह स्टाफ को भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि वे एडवाइजरी का पूरा ध्यान रखें। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास आज कोरोना और उससे जुड़ी स्थितियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने छोटे व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों MSME के लिए कहा कि 25 करोड़ तक का लोन लेने वाली छोटी कंपनियों को लोन रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा दी जाएगी। यानी उन सभी लोन लेने वाली कंपनियों को स्कीम का फायदा मिल सकता है जिन्होंने पिछले साल लोन रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा नहीं ली थी। RBI गवर्नर ने कहा कि वो छोटी कंपनियां जिन्होंने पिछले साल यानी कोरोना की पहली वेब से दौरान लोन रीस्ट्रक्चर नहीं कराया था, वह अपने टेन्योर को 2 साल तक और बढ़ा सकते हैं। अगर किसी ने 10 साल के लिए लोन लिया है तो लोन लेने वाली छोटी कंपनी उसे 12 साल तक का लोन रिस्ट्रक्चर करा सकती है। RBI ने इंडिविजुअल छोटे कर्जदारों के लिए लोन रिस्ट्रक्चरिंग की दूसरी विंडो खोली है। इसके तहत जिन्होंने पहले लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा नहीं ली थी और उनका लोन 25 करोड़ रुपये तक का है, वह इस बार लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा ले सकते हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई खबर हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-891-3722 पर संपर्क करें।